स्वागत है आपका हमारे चैनल रियाजेट चेयर मैन्युफैक्चरर में। तो आज जो है हम चेयर के पार्ट के बारे में देखेंगे, कौन सा पार्ट है व्हील। ठीक है, तो सबसे पहले तो व्हील दो तरह के होते हैं, पिन और स्क्रू। आपकी चेयर में कौन सा व्हील है उसके लिए आई लिंक पे जा सकते हो और देख सकते हो बढ़िया से कि कौन सा व्हील आपके चेयर में है। बाकी हम यहाँ पे पिन टाइप वाले व्हील की बात करेंगे जो आपका मोस्टली ब्लैक बेसिस में होता है, सिल्वर बेस में भी हो सकता है पिन टाइप, तो वो आप देख लेना कौन सा व्हील है वीडियो को रेफर करके। और अगर पिन व्हील है तो हम जब उसको निकालते हैं तो एक इशू फेस कर रहे होते हैं कि एक पार्ट तो पिन का व्हील का निकल गया होता है बट दूसरा पार्ट स्टक रह जाता है बेस में, तो उसको कैसे रिजॉल्व करें। ठीक है, तो वो इस वाली चेयर में देखेंगे। तो ये जैसे व्हील काफी स्टक हो गए, जाम हो गए, तो ये नहीं हो रहे। बाकी टूल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। हैमर चाहिए होगा, एक तो थोड़ा हैवी होना चाहिए इस टाइप में, ये नहीं बहुत हल्का हो, थोड़ा हैवी होना चाहिए। मशीन ऑयल या फिर आपके पास अगर नॉर्मल मशीन ऑयल नहीं है तो आप सरसों के तेल से काम चला सकते हैं। बाकी प्लास एंड स्क्रू ड्राइवर और जो व्हील हम रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, एक नया व्हील तो देखते हैं। पहले तो इसमें देख लेते व्हील कौन सा है, पिन वाला। पिन वाले की पहचान क्या है कि यहाँ पे कोई भी आपको नट वगैरह नहीं दिखेंगे। ठीक है, नॉर्मल पिन है। अब इसको निकालने के लिए हमें कौन सा टूल चाहिए होगा, स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे जैसे जाम क्यों है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये धागे वगैरह है या फिर ये गंदगी वगैरह बाल वगैरह फंसे हुए हैं जिसकी वजह से जाम हो जाता है, तो ये होता है जाम होने का रीजन। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो ये आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। स्क्रू ड्राइवर को क्या करना है, यहाँ पे फंसाना है एंड व्हील को आगे की तरफ धक्का देना ताकि वो उसको बाहर की तरफ फेंके। तो यहाँ पे फंसाते हैं, थोड़ा सा इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो ध्यान से करना, फिंगर वगैरह में लगेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है व्यूअर्स के लिए। तो काफी लोगों का जो है रिक्वेस्ट और डिमांड आ रहा था कि उन्हें जो है चेयर के पार्ट्स चाहिए, तो उन्हें आसपास मिल नहीं रहे हैं या मिल रहे हैं तो काफी महंगे मिल रहे हैं या लोकल क्वालिटी के मिल रहे हैं। तो अब जो है हम पैन इंडिया डिलीवरी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन एक बार रीड कर लीजिएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में ही नंबर मिल रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप पर रीच कर सकते हैं हमें, हम आपको जरूर रिवर्ट करेंगे और जो भी पार्ट चाहिए होगा वो आप हमें बता सकते हैं। तो जो व्हील का है वो ये वाला पोर्शन निकल गया है, बट आप देखोगे जो पिन वाला है वो इसी में स्टक है ना, तो ये वाला पोर्शन निकल गया, बट ये वाला भी निकलेगा तभी जाके जो हमारा नया व्हील है वो इसमें इंसर्ट होगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालना है, तो आप देख रहे हो काफी रस्ट लगा हुआ है, तो काफी पुरानी चेयर है ये, आप देखो इसकी हालत। इसको कैसे निकालना है, हल्का सा ऑयल लेंगे और यहाँ पे स्प्रे कर देंगे ताकि ये ऑयल सॉक कर ले और थोड़ा सा स्लिपरी हो जाए ताकि जब हम इसे निकाले तो इजीली निकल पाए। ठीक है, ऑयल डाल दिया, इसको 4-5 मिनट छोड़ेंगे और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हैमर एंड जो प्लास है उसका यूज होगा। तो उसको कैसे यूज करना है एक बार ध्यान से देखना, ये पिन का जो यहाँ पे पोर्शन है ना, इसको प्लास से पकड़ लेंगे यू एंड देन इसको मैंने पकड़ लिया, इसको इसकी ऊपर की तरफ हम खींचेंगे और यहाँ पे जब हम स्ट्राइक करेंगे तो ये अपने आप बाहर निकल जाएगा। इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगेगा तो वो ध्यान से रखेंगे, लगे ना आपकी चोट। इसको ठीक से पकड़ लिया मैंने टाइट, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे हैमर स्ट्राइक करूंगा, तो करते हैं। तो थोड़ा सा एफर्ट लगेगा क्योंकि काफी पुरानी कुर्सी है, काफी ज्यादा रस ले रखा है तो वो जाम हो रखा होगा। दोबारा से पकड़ेंगे, ये देखिए ये निकल गया। ठीक है, ये पिन वाला पोर्शन देखो कितनी बुरी हालत रखी है इसकी, तो ये इजी निकल गया यहाँ से। अब क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, निकाल दो एक बार व्हील, ये ऐसे रहता है ये पूरा। ठीक है, तो इसमें स्टक था तो ये निकल गया। ऐसे सारे अगर जो जो व्हील आपके स्टक है यहाँ पे, पहले तो स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ये निकालेंगे, अगर पिन के साथ निकल जाए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं निकलता फंस जाता है तो वही प्लास एंड हैमर की हेल्प से, प्लास से पकड़ेंगे वो पिन एंड हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो अपने आप बाहर निकल जाएगा। दूसरा व्हील आपको इंसर्ट करना है इसमें, तो उसके लिए क्या करना है आपको, दूसरा वाला व्हील लेना है एंड यहाँ पे रखना है, पिन वाला जो पोर्शन है इसमें डालना है एंड स्ट्राइक कहाँ पे करेंगे, इस वाले पोर्शन पे हैमर स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, कहीं और नहीं, इस पर स्ट्राइक करना है आराम से, ये हो गया देख लो आपने, फिट हो गया इसमें आराम से। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि हैमर थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, नहीं बहुत बच्चा सा हैमर है, अगर वो होगा तो वो ठीक से मतलब थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगेगा उसमें। अब ये आराम से हो गया मेरा चेंज, ठीक है, अब मैं यूज कर सकता हूँ। तो ये चीजें थी जिसकी हेल्प से आप आराम से आपका कोई वीडियो निकाल सकते हैं। स्क्रू वाला होता है उसको कैसे आपको करना है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, उसमें देख सकते हैं कि स्क्रू वाला कैसे करना है। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिख दीजिएगा अगर आपको कोई और इशू फेस कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।